हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ हेमा। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही हेल्पफुल ड्रिंक जो आप घर पे ही बना सकते हो, और घर पे बना बना के उसको दिन वाइज आप वीक में एक बार भी यूज़ कर सकते हो उसको, या वीक में अगर आपने दो तीन बार इसको यूज़ कर लिया तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये ड्रिंक उसके लिए है जिसका शरीर बहुत ही मतलब कमज़ोर है और बहुत ही पतला है, और आप उसमें ग्रोथ लाना चाहते हैं, आप सब चीज़ खाते हो और आपकी हेल्थ पे नहीं लगती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक वीक में 3-4 बार ये नुस्खा आजमाइए, और आजमाने के बाद मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, मैं भी इसको यूज़ करती हूँ। तो चलिए हम देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताती हूँ इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें लेना है 1 ग्लास दूध, मैं 1.5 ग्लास लूंगी, 1/2 ग्लास और 1.5 ग्लास दूध ले लिया है, और दूध को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि 1 ग्लास नहीं हो जाता है। तो तब तक हम दूध को पकाएंगे, और उसमें डालने के लिए हमें चाहिए थोड़े से किशमिश, थोड़े से काजू कटे हुए और थोड़ी सी बादाम। ये तीनों को हम मिला के अभी दूध में डाल देंगे। तो पहले हम काजू डालेंगे दूध में, बादाम डालेंगे, उसके बाद हम किशमिश डालेंगे, और ये दूध को तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता है। इसको 10 मिनट तक अच्छे से पका लीजिए। मैंने 1.5 ग्लास दूध लिया है और हमें पकाना है जब तक ये 1 ग्लास नहीं हो जाता, तब तक इस दूध को हम पकाएंगे। और आप चाहो तो इसमें हनी भी यूज़ कर सकते हो, हनी भी डाल सकते हो, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो। तो मैं इसमें हनी यूज़ नहीं करूँगी, मैं इसमें शक्कर यूज़ करूँगी। जितना मुझे मीठा चाहिए मैं उतने अकॉर्डिंग शक्कर ले लूँगी। आपको भी अगर जितना शक्कर चाहिए आप ले सकते हो, आप जितना मीठा पीते हो या फिर मीठा नहीं पीते हो, या फिर आप हनी भी यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। आप अपने स्वाद के हिसाब से आप इसमें चीनी या फिर हनी डाल सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध खोल के अच्छे से तैयार हो गया है, और अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। वो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो दूध उबाला था वो उबल के 1 गिलास से थोड़ा कम हो गया है, और उसमें हमने जितने भी ड्राई फ्रूट्स डाले थे वो सारे पका के दूध में से बाहर निकाल लिए हैं। अब इसको मैं बताती हूँ कि मतलब आपको उसको पीना कैसे है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हमें ऐसे लेना है, पहले 1 चम्मच ड्राई फ्रूट को खा ले, सो फ्रेंड्स, मैंने जिस तरीके से ड्राई फ्रूट को खाया है और ड्राई फ्रूट को खाने के बाद मिल्क पिया है, तो आप भी इसको वैसे ही लीजिए और वैसे ही इसका प्रयोग कीजिए, तो आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी तरह से लगेगा और आपकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ग्रो होने लगेगी। सो फ्रेंड्स, ये थी मिल्क ड्रिंक जो मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी। इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं, तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बोलूँगी कि आपको वीक में इसको 2 से 3 बार उपयोग कीजिए और इसको पीजिए, क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप एक बार ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये ड्रिंक कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके मैं आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।